आप जानते हैं मेरा गेमिंग चैनल है, तो मैंने एक नया मोबाइल खरीदा है इसके लिए, तो अब देखते हैं इसके ये आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं दिखाने जा रहा हूँ Redmi Note 9 Pro के अनबॉक्सिंग एंड MIUI 12 का अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी अनबॉक्सिंग। आपके सामने Redmi Note 9 Pro का बॉक्स आपको दिख रहा है। यहाँ पे Xiaomi का नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन होने का इंडिया में लोगो है। यहाँ पे MI का लोगो दिया गया है और ये है पूरा बॉक्स। अब पीछे की तरफ हम देख लेते हैं कि क्या क्या मिलता है हमें बॉक्स में। तो पीछे है Qualcomm Snapdragon 720G प्रोसेसर का लोगो, फिर है 48 मेगापिक्सल AI क्वाड कैमरा का लोगो, फिर है यहाँ पे बड़ा सा 6.67 इंचेस का है, और यहाँ पर है 5020 मिली एम्पियर की बैटरी जो 18 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ आती है। ये है एरोरा ब्लू कलर जो 4GB और 64GB वेरिएंट में है। तो चलिए ओपन करते हैं इस बॉक्स को और देखते हैं अंदर हमें क्या क्या कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने इस बॉक्स को ओपन कर लिया है। यहाँ पर ओपन करते ही सबसे पहले ये सेक्शन है जो हम इसे ओपन करके देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। अब मैं इसे ओपन करता हूँ। यहाँ पे एक है सिम इजेक्टेड पिन, फिर है यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशंस जो आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, और ये है सॉफ्ट वाइट केस कवर जो टाइम के साथ तो येल्लो होने ही वाला है, इसलिए आपको इसके लिए कवर तो बाद में लेना ही होगा। यहाँ पर नीचे रखा गया है हमारा बॉक्स में मोबाइल जो है एरोरा ब्लू कलर में, जो आप देख ही सकते हैं पूरा का पूरा एरोरा ब्लू कलर है, और यहाँ पर कुछ स्टिकर्स लगे गए हैं। आगे की तरफ है ये 6.67 इंचेस का डॉट नॉच डिस्प्ले। यहाँ पे पंच होल स्टाइल में ये कैमरा हमें मिल जाता है। तो हम इसे अब बूट अप कर लेते हैं और देखते हैं इसमें और क्या क्या हमें देखने को मिल जाता है। तो अब ये बूट अप हो रहा है, तब तक हम वेट करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट। अब ये देख सकते हैं आप बूट अप होने वाला है। यहाँ पे नीचे आ रहा है पावर्ड बाय एंड्रॉयड का ब्रांडिंग, और ऊपर है रेडमी की ब्रांडिंग, और ये MIUI पे चलता है, आप तो ये जानते ही है। बेस्ट 10 है, एंड्रॉयड 10 पे चल रहा है। तो बेस जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो देख लिए स्टार्ट हो गया है। अब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन माइक और IR ब्लास्टर मिल जाता है। नीचे की तरफ हम देखेंगे तो 6.5mm का हेडफोन जैक है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, और एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है। साइड की तरफ देखेंगे तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ ही स्टार्ट और ऑन ऑफ का बटन है, और वॉल्यूम ड्रॉपर चार्ज। इस साइड पूरी नीड एंड क्लीन है एक्सेप्ट इस सिम ट्रे इजेक्टेड टूल के। सामने की तरफ आप पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर हमें AI क्वाड कैमरा का सेटअप मिलता है, जो प्राइमरी कैमरा है वो 48, फिर 8 मेगापिक्सल का है, और एक 5 और 2 मेगापिक्सल का हमें कैमरा मिल जाता है। एंडिंग है जो इन स्टिकर्स के पीछे है। तो अब हम इसे स्टार्ट करके चलते हैं इसकी सेटिंग में और देखते हैं हमें यहाँ पर क्या मिल जाता है। यहाँ स्टार्ट करते ही मैं पासवर्ड दे देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं पूरा डिस्प्ले कैसा दिख रहा है। तो अब मैं चलता हूँ सीधे इस मोबाइल की सेटिंग्स में और देख लेते हैं हमें इसमें क्या क्या मिल जाता है। ये है 18 वॉट का फास्ट चार्जर जो मैं दिखाना भूल गया था। यहाँ पर मैंने कवर भी लगा लिया है मोबाइल में। तो चलिए शुरू करते हैं अब सेटिंग में जाकर क्या क्या नया इसमें देखने को मिल जाता है वो देख लेते हैं। तो यह सेटिंग में अबाउट फोन के ऑप्शन में जाते हैं, तो मैंने इसे अपडेट कर लिया है, और MIUI वर्जन 12.0.2 आप देख सकते हैं, और ये बेस्ड ऑन एंड्रॉयड 10 है जो मैं आपको दिखाता हूँ। एंड्रॉयड पर क्लिक करके आपको एंड्रॉयड 10 का लोगो दिख जाएगा। तो ये मैंने क्लिक किया और एंड्रॉयड 10 आ चुका है, देख सकते हैं एंड्रॉयड 10 पर चलता है ये। और अब हम बाहर निकलते हैं और देखते हैं इसकी टिपिकल MIUI कैमरा ऐप को। अब मैं सीधा बाहर निकल के MI ऐप में जा गया हूँ। कैमरा की कुछ कैमरा सैंपल्स हैं जो आप देख सकते हैं। ये है नॉर्मल कैमरा से फ़ोटो क्लिक किए है, ये है फिर 48 मेगापिक्सल के कैमरे से क्लिक गई फ़ोटो, फिर है ये 2x जूम में, इसका सबसे बड़ा जूम 10x है, और ये है नॉर्मल माइक्रो लेंस से खींची गई फ़ोटो। आप देख सकते हैं आपको स्क्रीन पर 12.0.2 का लोगो दिख रहा होगा। ये थी अनबॉक्सिंग। अब हम MIUI 12.0.2 का अपडेट देखते हैं।
तो ये मैं आ चुका हूँ फ़ोन की स्क्रीन पर। अब मैं चलता हूँ सीधा सेटिंग्स में और आपको दिखाता हूँ 12.0.2 का अपडेट। तो अबाउट फ़ोन में जाकर आपने देख लिया है कि यह 12.0.2 पर वर्क करता है, जो स्टेबल वर्जन है, जो इसका अपडेट आ चुका है। आपके मोबाइल में भी कब का आ भी गया होगा, मैं थोड़ा लेट हूँ। और एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है ये, मैं आपको बता दूँ। एंड्रॉयड 11 वालों को ये नहीं मिलने वाला है। इसके लिए कंपनी जल्दी ही दूसरा अपडेट रिलीज़ करेंगी। तो अब हम दूसरी तरफ इसके चेंजेस देखते हैं। तो हम जैसे ही डिस्प्ले में जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डार्क मोड और लाइट मोड का। जो आप देख सकते हैं ये कुछ नया है। डार्क मोड में जाते ही पूरा मोबाइल डार्क मोड में कन्वर्ट हो जाएगा, सारी ही सेटिंग्स आपको डार्क मोड में मिल जाएंगी। अब हम इसका वॉलपेपर चेंज करके भी देख लेते हैं। वॉलपेपर ये नेविगेशन बार भी चेंज हो चुका है। अब वॉलपेपर में चलते हैं, तो मैं एक वॉलपेपर चेंज करके देख लेता हूँ कि कैसा है ये वॉलपेपर। तो मैं भी जिसमें वॉलपेपर में जाके देखता हूँ, नॉर्मल सा एक वॉलपेपर लगा देता हूँ। और अब देखते हैं, इस वॉलपेपर को मैंने डार्क मोड में लगाया है, तो डार्क मोड में आ ही चुका है ये वॉलपेपर। अब देखता हूँ, मैं सीधा जाता हूँ होम स्क्रीन पर, और ये वॉलपेपर आप देख सकते हैं आ चुका है पूरा का पूरा। ऊपर का अब हम टूल ओपन करके देखेंगे, तो ये देखिए पूरा बदल चुका है। यहाँ पर कलर्स देख सकते हैं आप कैसे हैं। फ्लैश लाइट को ऑन करके मैं दिखा देता हूँ, तो आपने देख लिया है। ये है कुछ चेंजेस जो MIUI 12.0.2 पर आपको देख सकते हैं। यहाँ पर डार्क मोड अभी भी मैंने इनेबल करके रखा है, अब मैं इसे डिसेबल करके नहीं दिखा सकता, इसको बाद में हम देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं सेटिंग्स में जाकर कि डार्क मोड का कैसा इफ़ेक्ट लगता है आपको। तो मैं सेटिंग्स में सीधा चला जाता हूँ और देखते हैं डार्क मोड का। तो देख सकते हैं पूरी सेटिंग्स डार्क मोड में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गेमिंग वीडियो में। तो बाय बाय।